हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर एट डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.5। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें दे रखा है, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। इतना डिस्टेंस कवर करती है बस के द्वारा, 7 किलोमीटर 7 मीटर करती है कार के थ्रू, एंड 500 मीटर करती है बाय फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, अपना स्कूल पहुँचने के लिए। हाउ फार हिज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस, यानी उसके घर से उसके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है। यानी किलोमीटर की जो वैल्यू होती है मीटर के अंदर अप टू 3 डिजिट तक चलती है। कितने डिजिट तक चलती है? 3 डिजिट तक। अगर हमें मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो मल्टीप्लाई 1000 किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 मीटर बराबर होगा 1/1000 किलोमीटर के, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 का डिवाइड करते हैं। ये बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आपकी वैल्यू मीटर वाली 3 डिजिट में आती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 2 डिजिट में आती है तो उसके आगे 1 जीरो लगेगा, 1 डिजिट आती है तो उसके आगे 2 जीरो लगेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है मीटर में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 1 डिजिट आ रही है, तो इसके अंदर हमें कम से कम 3 डिजिट तो लेने पड़ेंगे क्योंकि मीटर में चलते 3 डिजिट। तो हम इसके पीछे तो 0 लगा नहीं सकते, पीछे लगाएंगे तो 70 या 700 हो जाएगा। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? 2 जीरो लगा लेंगे ताकि ये पूरे 3 डिजिट बन जाए। ये तो पहले से 3 डिजिट है, ठीक है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि 1 किलोमीटर 3 डिजिट के अंदर चलता है, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस के थ्रू जाता है 15 किलोमीटर 268 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, कार के थ्रू जाता है कितना? 7 किलोमीटर 7 मीटर आ रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे 0 लगाने इसका मतलब अभी 7 ही है, 700 नहीं हुआ। 700 का बनता जब 7 के पीछे 2 जीरो लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे ना करके हम इस तरीके से लिखेंगे। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट, पैदल कितना गया? 500 मीटर। इसमें 3 डिजिट आते उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें किलोमीटर तो है नहीं, वहाँ 0 भर दो। हमें क्या पूछा गया है कि उसका स्कूल से उसके रेजिडेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो, 8 और 7 15, 1 कैरी, 6 और 1 7, 2 और 5 7, 7 5 12, 1 कैरी, 2 और 1 2, यानी 22 किलोमीटर 775 मीटर, ठीक। ये हमारे 8.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें इसको पूरा डेसिमल में लिखना है तो सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ लिखेंगे 22 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइड किसका कर देंगे? 1000 का। कितनी 0? 3 जीरो, पॉइंट हमारा 3 नंबर इधर चला जाएगा, 0.775 किलोमीटर। अब इनको ऐड करने का तरीका देखो, जिसमें डेसिमल नहीं होता उसके आखिरी में डेसिमल होता है, हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना होता है ऐड करते समय। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.775 किलोमीटर, क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें भी सेम हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। तो इसमें भी जो आंसर होगा हमारा अप टू 3 डेसिमल तक ही चलेगा। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, आंसर किलोग्राम में हो जाएगा। रवि परचेज करता राइस को 5 किलो 400 ग्राम, शुगर 2 किलो 20 ग्राम, और आटा करता है 10 किलो 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, उसने टोटल कितना परचेज किया? यहाँ लिखेंगे रवि परचेज्ड, इसने क्या क्या परचेज किया है? राइस 5 किलो 400 ग्राम। ध्यान रखना आपके जो ग्राम वाली वैल्यू है 3 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक नहीं है तो बनाएंगे उसको। शुगर 2 किलो 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम के हम कैसे लिखेंगे? 3 डिजिट में चाहिए हमें, तो आंसर इसके आगे जरूर लगा दो, क्योंकि आगे जरूर लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आटा फ्लोर 10 किलोग्राम
850 ग्राम, ऊपर कुछ नहीं, 0 0 मान लो। क्या पूछा गया, टोटल वेट, तो यहाँ लिखेंगे टोटल वेट, इनको ऐड कर देंगे, 0 7 12 1 कैरी 7 और 1 8 1, यानी कि 18 किलोग्राम 270 ग्राम, ये निकल गया। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 1000 का, 270 में डिवाइड देंगे 1000 का, तो आंसर किलोग्राम में हो जाएगा। 30 है, पॉइंट 3 नंबर इधर जाएगा, 0.270, ठीक। दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का तरीका, जिसमें डेसिमल नहीं हो तो उसके आखिरी में होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना आपको 0, ठीक। ये हमारा आ गया 18.270 किलोग्राम। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।